आप सबका डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत है। आपका भी हार्दिक स्वागत। हमारा जो डिस्कशन चल रहा था भारत और भारत विश्व गुरु के बारे में हमारी चर्चा चल रही थी, अब हमारे अंदर में तो दूसरे देशों का दूसरे मजहबों का एक इम्पैक्ट आ चुका है हमारे लिए और हमारा यूथ भी इन्वॉल्व है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है वेस्टर्नाइजेशन के इस कल्चर में। अच्छा होता तो हम इस पर चर्चा नहीं करते, लेकिन हमें लग रहा है कि वो हमारे संस्कृति के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। जंक फूड की बात करें या पोर्नोग्राफी की बात कर ले या हम उनके कल्चर की वैल्यू सिस्टम की बात कर ले, तो हमें ये लग रहा है कि ये भारत को और खोखला करता जाएगा। अब समाधान क्या है महाराज? समाधान ये, हमारे ऋषियों ने कहा, मनुस्मृति में मनु महाराज ने कहा और मनुस्मृति के बाद में सामान्य महापुरुषों ने भी अपने अपने ग्रंथों में उसको प्रमाणित किया है, सिद्ध किया है, मनु जी की वाणी को बढ़ाया है उन्होंने। तो उन्होंने ये कहा है, सबसे बड़ा नर्क वह है, सबसे बड़ा दुख वह है जिसमें आदमी अपने पेट को भरने के लिए अपने देश को छोड़े, अपना पेट भरने के लिए देश को छोड़े, वो सबसे बड़ा नरक है। हाँ, उस आदमी को गति नहीं, उस आदमी को सदगति नहीं होगी। तो ये मनुस्मृति का प्रमाण है, जो आदमी अपने पेट को भरने के लिए अपने देश को छोड़ता है वो प्राणी जो है सदगति का अधिकारी नहीं है, तो वो सबसे बड़ा दुखिया व्यक्ति है दुनिया में, सबसे बड़ा दुखिया है। इसीलिए फिर भी हम मनुस्मृति का सम्मान करते हैं और आज जो लोग उन्नति के लिए आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाने के लिए कहीं जा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि वो आर्थिक उन्नति घर में तो नहीं बढ़ेगी किसी की, हाँ, तो उसके लिए तो आदमी को ग्राउंड में उतरना ही है और उसका क्षेत्र दूसरा ही होगा, क्योंकि उसका ये कल्चर है। जब हमें चलन चलाना है तो हमें पत्नी लानी है तो भी दूसरे गाँव से लानी है, हाँ, बहन को देना है तो दूसरे घर में देना है। तो जैसे परिवार की उन्नति इस प्रकार के व्यवहार और हमारी परंपराओं से उन्नति होती है दूसरे के साथ जुड़ के, तो आर्थिक उन्नति के लिए हम किसी देश का सहयोग लेते हैं और अपने टैलेंट से किसी देश में जाएं, किसी शहर में जाएं, इस देश में जाएं, दूसरे देश में जाएं, कहीं भी जाएं, अगर हम आर्थिक संस्कृति के लिए कहीं जा रहे हैं तो मुझे निजी तौर पर कोई ऐतराज नहीं है, पर अपनी संस्कृति को खोके धन कमाना है उससे बड़ा नर्क दुनिया में कोई हो सकता नहीं, ये भी मेरी सोच है। हाँ, क्योंकि धन की जो जरूरत है वो हमारे शरीर के साथ में है, 60 साल का है, 70 साल का है, जब तक हम लोग हैं संसार में तब तक हमें धन की जरूरत है। हमारी आंखें बंद हो जाए, हम मर जाए, दूसरा शरीर ले लेंगे, उसके बाद हमारी औलाद कहाँ है, हमारा बीवी कहाँ है, हमारे बच्चे कहाँ हैं, हमें जब उनका पता ही नहीं है वो कहाँ है, तो उनके पास में जो धन छोड़ के आए उसका मतलब ही नहीं हमारे लिए आता ना। तो फिर केवल धन के लिए हम लोग ऐसा करें, सब कुछ आग लगा दें अपने वर्चस्व में और खाली पैसे के लिए हम अपने चरित्र को बिगाड़ लें, सर्वस्व को बिगाड़ लें, तो वो शास्त्र के खिलाफ है और भारतीयता के भी खिलाफ है। हाँ, तो आप धन कमाने अमेरिका जाओ, लंदन जाओ, दुबई जाओ, जहाँ जाना जाए आपका पूरा अधिकार है, सूर्य चंद्रमा तक भी आदमी को जाने का अधिकार है पूरा, जहाँ से हमारा तत्व वहाँ तक जा सकता है वो, पर आपको बेचना है अपने वर्चस्व को, अपने कल्याण को भूल के अगर वो कुछ करता है तो फिर वो घर में रह के भी गलत है और देश में दूसरे देशों में रह के भी गलत है। हाँ, तो रहने में कहीं बुराई नहीं, हम लोग भी मथुरा में पैदा हुए, महाराष्ट्र में रह रहे हैं, मथुरा की संस्कृति बहुत अच्छी है, हमें महाराष्ट्र में आने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर इसमें दूसरा परपेज ये भी है कि जहाँ दाना पानी लिखा रहता है वहाँ भी जाना पड़ता है, भगवान की इच्छा से हम लोग जाते आते, समझिए, अन्न हमारा यहाँ है तो हमें आना ही पड़ा, कहीं का अमेरिका में होगा वहाँ भी कई लोगों को जाना पड़ रहा है, पर हमारे अंदर जो संस्कार और संस्कृति है वो भी भगवान की ही देन है, उसमें बिल्कुल भी योग नहीं रहते हैं, वो आदमी के खुद के विश्वास पर टिका रहता है, वो आदमी के खुद के बल पे है। हाँ, तो आप सब कुछ खोए पर आप अपना संस्कृति और अपना सर्वस्व ना खोए, आप धन कमाएं, धन कमाने में कोई व्यवहार गलत हो जाता है वहां तक माफी है, पर जब आपका स्वरूप गुण बिगड़ेगा तो उसके परिणाम फिर आपको जन्म जन्म भोगने पड़ेंगे, पैसे तो जन्म जन्म काम आएगा नहीं ना। हाँ, तो जो जन्म जन्म काम आएगा वो अपनी संस्कृति है, अपने कल्चर है, अपने कर्म है, अपनी गुणवत्ता है, क्योंकि गुणवत्ता मन में रहती है, बुद्धि में रहती है, चित्त में रहती है, आत्मा में रहती है, और उसी की वजह से फिर बॉडी में आती है वो कन्वर्ट होके, हाँ, बॉडी मर जाती है फिर आत्मा में, और फिर वो लौट के आत्मा में और फिर उसमें चली जाती है, उसमें से निकल के, हाँ, तो फिर वो दूसरे शरीर में जब जाती है तो फिर उसमें वो प्रादुर्भाव प्रकट हो जाता शरीर में, तो उस शरीर में भी हम सुखी रहें, उन्नतशील रहें, उसके लिए अपने चरित्र को, अपनी संभावनाओं को बचाए रखना जरूरी है। दुनिया में कहीं भी जाइए, पूरी दुनिया परमात्मा की है, भाषा बदल सकती है, कल्चर बदल सकते हैं, पर इस दुनिया का निर्माता प्रभु है, परमात्मा एक है, पर उसकी संस्कृति एक नहीं है, संस्कृति मानव की लिखी हुई है, संस्कार मनुष्य के लिखे हुए हैं, अपने अपनी सभ्यता लोगों ने बनाई है, तो जिनकी सभ्यता अच्छी नहीं है उस सभ्यता को कभी भी सभ्य लोगों को पालन नहीं करना चाहिए। महर्षि, आप अगर भारत को हमें वैदिक भारत वापस बनाना हो,
तो हमें किन बिंदुओं का ख्याल रखना चाहिए और किस प्रक्रिया क्या रहेगी? भारत को हमें पुनः से भारत बनाना है और हमें वैदिक भारत बनाना, वैदिक, तो हमारे वैदिक जो ऋषि मुनि हुए हमें उन्हें पढ़ना होगा, जैसे अंग्रेजी के जो वैज्ञानिक हुए उनको पढ़ते हैं सब लोग, हाँ, उनकी बुक पढ़ते हैं, उनका चरित्र पढ़ते हैं और उस हिसाब से जीवन डेवलप कर रहे हैं। तो जब आप वैदिक बनेंगे, जब लौट के फिर रामकृष्ण की भूमि में आएंगे तो आपको उनको पढ़ना पड़ेगा, रामकृष्ण को, हाँ। और हम जब लौट के आ जाएंगे तो अमेरिका जैसे करोड़ों देशों को हम खरीद सकते हैं, इतना बल हमारे देश में था, इसीलिए सोने की चिड़िया थी ये, पूरे विश्व में सोने की चिड़िया तो भारत ही था ना, हाँ। तो जो सोने की चिड़िया के रूप में है, विश्व गुरु के रूप में जो चीज है, तो इसका मतलब ये है कि वो दुनिया से पावरफुल है, दुनिया से धनवान ज्यादा है, तो सब कुछ यहाँ ज्यादा ही था ना पहले, और आज भी सब कुछ ज्यादा ही है, आज भी कुछ कम नहीं हमारे पास में, हाँ। पर इतना है कि हमारा देश पहले बहुत बड़ा था, जहाँ अभी इराक है, जहाँ यूरोप है, जहाँ ये शिकागो है, जहाँ पे लंदन है, ये सब हमारे देश में आते थे पहले, आर्यवर्त में, हाँ, एशिया खंड के देश है ये, तो ये उसमें आते थे, तो वहां तक हमारी संस्कृति थी, इसलिए डीजल पेट्रोल से लेकर सारी चीज हमारी थी, और अभी वो चोटों ने अपनी अपनी बना ली, अपना अपना देश कर लिया है, भारत में से भी दुनिया भर के प्रांत हो गए, देखो अभी आप यूपी के कई प्रांत हो गए समझिए, हाँ, अभी देखो उत्तराखंड हो गया, टुकड़े हो गए, टुकड़े हो रहे, अभी बुंदेलखंड की तैयारी चल रही है, उत्तरांचल की तैयारी चल रही है, तो जब प्रांत के टुकड़े हो रहे तो ऐसे देश के टुकड़े हो चुके ना पहले से, पहले सब समूह में था तो सब संपत्ति हमारे पास थी, अभी जब टुकड़े हो गए तो संपत्ति बट गई, संपत्ति बढ़ गई तो तेल हिंदुस्तान के हिस्से में आया नहीं, तो हम तामा आया नहीं हिस्से में, तामा दूसरे देश में चला गया, तेल दूसरे देश में चला गया, तो एक दूसरे के मजबूरन गुलाम हो गए हैं, यानी जरूरत न हो के भी हमें उनकी जरूरत है, तो इसलिए संस्कार और संस्कृति हमारी भंग हो रही है, क्योंकि आप जिस रास्ते से आते जाते हैं उस रास्ते में आपको जो नाला क्रॉस करना है, चाहे उस पर पुल ही है, पर उस पुल के ऊपर जिस प्रकार की मिट्टी है, रेत है, वो ही आपके जूतों को लगने वाला है, तो आपका जो आना जाना है दूसरे देशों में व्यापार के लिए, वहां के साथ जो भी वहां बुराइयां हैं वो आपके चरित्र में लगने वाली है, जिस रास्ते से आप गुजरेंगे जूते में वही रेत लगता है, वही मिट्टी लगती है, चाहे वो कम लगे चाहे ज्यादा, पर बिना लगे वो जूता आ सकता नहीं है, तो व्यवहार का ये परिणाम होता है जीवन पे, आप ऐसी जगह जाएंगे, ऐसी व्यक्तियों में जाएंगे तो वहां पे कम या ज्यादा आपका चरित्र डिसमिस होगा या अच्छा होगा, जैसे व्यक्तियों में जाएंगे आएंगे आप, तो हमारे देश का आवागमन जो है वो भारत पूरे विश्व में आवागमन है व्यापार की दृष्टि से उन्नति के लिए, तो उस प्रकार का फिर चरित्र भी यहाँ आ रहा है, उस प्रकार की चीजें यहाँ आ रही हैं, यहाँ के लोग वहां से शादियां करके ला रहे हैं, तो शादी करके कितने भी लेके आ जाओ, वहाँ की गोरी औरत हो सकती है पर उसके चरित्र और व्यवहार तो वहीं के रहेंगे ना, और फिर औलत को क्या सिखाएगी वो, तो धीरे धीरे करके हम लोग इस तरह से गिरते गिरते आ रहे हैं, एक एक चीज से, एक साथ हम किसी चीज के लिए नहीं कर रहे हैं, जो पीड़ा है, जो आपकी पीड़ा है, उस पीड़ा को दूर करने के लिए मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमें वैदिक बनना है तो हमें वैदिक ही परंपराओं को फिर से अध्ययन करना पड़ेगा और पाश्चात्य संस्कृति का पूरी तरह निषेध करना पड़ेगा, जैसे महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को होली जलाई और स्वदेशी वस्त्र ग्रहण किया, वैसे आज भी जरूरत है महात्मा गांधी के उस वचन की, केवल वस्त्रों से नहीं, व्यवहार से, भोजन से और चरित्र से भी विदेशी कल्चर की आग लगनी चाहिए होली में, और अपने स्वदेशी व्यवहार की, संस्कारों की, वैदिक पठन पाठन की आज से फिर शुभारंभ होना चाहिए, तो हम लौट के स्वदेशी में आ जाएंगे। महर्षि, जैसे कहा जाता है कि किसी भी देश की संस्कृति का जो आधार है वो एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा है, और शिक्षा की प्रणाली ही इतनी इम्पॉर्टेंट रहती है, इतनी महत्वपूर्ण रहती है कि आप पूरे एक व्यक्ति का निर्माण, घर का निर्माण, सोसाइटी का निर्माण और देश का निर्माण उसी से होता है। और अगर यहाँ पर अंग्रेज भी कामयाब हुए तो मैकाले की उसी एजुकेशनल पॉलिसी से ही वो कामयाब हुए, जिसकी वजह से उन्होंने हमारे देश को बदल डाला। अब वो एजुकेशनल जो सिस्टम है वैदिक भारत बनाने के लिए, तो शिक्षा की प्रणाली को हमें सबसे मजबूत करना होगा, ऐसा हमारा मानना है, तो इसको मजबूत करने के लिए महाराज श्री आपका क्या सुझाव है, हमें किस क्लास से वेद उपनिषद बच्चों को पढ़ानी चाहिए, क्या हमें संस्कृत की जो भाषा है वो हमें हर स्कूल में इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, और किस प्रकार से होगा ये, क्या यह गुरुकुल खोलने चाहिए, इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में कैसे होगा ये, गुरुकुलों में कैसे होगा, और भारत में एक और समस्या ये है कि एक यहाँ डाइवर्सिटी है, यहाँ मुसलमान भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, सब धर्म के लोग रहते हैं, क्या वो संस्कृत को अपनाएंगे, क्या वो वेदों को अपनाएंगे, कैसे रहेगा, किस तरीके से जो हमारी ये शिक्षा की प्रणाली यहाँ पर हमें मजबूत करनी होगी और किस प्रकार से इसकी शुरुआत करनी होगी भारत से। बिल्कुल,
कई लोगों में मत पंथ है भाषा को लेके भी, जो लोग उर्दू पढ़ते हैं वो अपने आप को मुसलमान मानते समझिए। हाँ जी हाँ जी। और हम लोग उर्दू पढ़ेंगे तो हम अपने आप को गिरा हुआ महसूस करते हैं, बिल्कुल दिल से ऐसे होता है। हाँ जी। और वो लोग संस्कृत पढ़ते हैं तो उनमें भी विवाद होता है आपस में, उनके पादरी पंडित जो है वो भी उद्यम करते हैं कि तुम हिंदू बन गए। हाँ हिंदू बन गए ऐसा है। पर मेरा बस इतना ही कहना है कि पूरी दुनिया के जितने भी मत पंथ हैं अगर वो अपनी उन्नति के लिए अंग्रेजी को स्वीकार कर रहे हैं, सभी लोग मुसलमान हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी आदमी जब अंग्रेजी को पढ़ करके अपने आप को डेवलप मान रहा है तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ वही व्यक्तियों के लिए कि जो व्यक्ति अंग्रेजी को पढ़ के अपने अच्छा महसूस करता है और डेवलप समझता है, पढ़ा लिखा मानता है, मॉडर्न समझता है, तो नया समझ रहा है अपने आप को, उन्नतशील समझ रहा है, उनके लिए मैं कह सकता हूँ कि जो व्यक्ति अंग्रेजी थोतड़ी भाषा को, एकदम बेकार भाषा को पढ़ के भी अपने आप को महसूस कर रहा है अच्छा, उनके लिए 100 गुना अच्छा, 100 गुना उन्नति उस व्यक्ति की हो सकती है जो व्यक्ति वेद और दर्शनों का अध्ययन करेगा। वेद और दर्शन नहीं पढ़े मत पढ़ो, पर भाषा संस्कृत को जब यूज करेंगे तो फिर आपको हर हाल में उन्नति होनी होनी है, उसमें कोई शक नहीं है, कोई दोराय नहीं है। क्योंकि दुनिया में जो विज्ञान हम आज देख रहे हैं उन्नति के रूप में, ये विज्ञान सारा हमारे ऋषि मुनियों ने जन्म दिया इस विज्ञान को, पर हमारे ऋषि मुनि इतने आगे का सोचते थे वो, उन्हें इतना ज्यादा लंबे समय का दिखता था कि उन्होंने उस विज्ञान को प्रैक्टिकल करने से ब्रेक दिया ऋषि मुनियों ने, क्योंकि उन्होंने सारे विज्ञान बना लिए थे और उनके प्रयोग भी कर लिए थे। पर उन ऋषियों का विनाश ये था, सोच ये थी सॉरी, कि वो किसी तरह से विनाश ना हो जाए, किसी का भी अहित ना हो, हमारा हित हो जाएगा और इस चीज से दूसरे का अहित हो जाएगा। तो आज की दुनिया में वही होता है, आज की दुनिया वही कर रही है, लोग रॉकेट बना रही है, ये बना रही है, वो बना रही है, कोई कल्चर बना रही है, पूरे आकाश में सैटेलाइट फैलाए हुए हैं, पूरे आकाश में, पूरे आकाश को प्रदूषित कर दिया है। तो आज हम भले ही सुख भोग रहे हैं मोबाइल का, टीवी का, कैमरे का, जो भी है, पर आगे चलने के बाद में ये आकाश जो खाली जगह है, जब वो ट्रैफिक से भर जाएगी तो ये प्रकृति ऑटोमेटिक ब्लास्ट हो जाएगी, नुकसान ही होने वाला है। और ये आज के युग में लोगों को नहीं समझ रहा है थोड़े समय की उन्नति के लिए, पर हमारे ऋषियों को लंबे समय की उन्नति चाहिए, इसीलिए उन्होंने इस विज्ञान को आधा छोड़ के ब्रेक दे दिया और प्रैक्टिकल में प्रयोग में नहीं लाए, भोग में नहीं लाए। क्योंकि दुनिया की कोई भी उन्नति जो दिख रही है आपको आज विज्ञान के रूप में, ये जो मॉडर्न जो उन्नति है, जो तंत्र विज्ञान है, ये विनाश का विज्ञान है, इससे हानि हो रही है समाज को। विज्ञान से पागलपन आ गया है लोगों में, लोग बिजी हो गए, बीमार हो गए इसकी वजह से, टीवी नहीं होती, मोबाइल नहीं होता तो लोग बीमार नहीं इतने पड़ते जो आज हैं। जितना स्ट्रेस हो रहा है, बीमारियां आ रही हैं, गोलियां खाई जा रही हैं, इनका कारण ही यही है, फ्रस्ट्रेशन पूरी। हाँ, हवा शुद्ध बची नहीं, पूरी दुनिया में अपनी अपनी तरफ खींच रहे सैटेलाइट सबको चारों तरफ, तो व्यक्ति तक आई नहीं रही वो हवा, जहां से जहां वो पकड़ कर रहे, रेडियो पकड़ रहे, इसको पकड़ रहे, उसको पकड़ रहे, तो अब जगह जगह पे चुंबक लगाई हुई है, चुंबक लगाई हुई है, तो प्रकृति का होगा क्या? तो हमारे ऋषियों ने जो प्रकृति बनाई है उस प्रकृति को उन्होंने सजाया है, सम्मान किया है प्रकृति का, और आज हम उस प्रकृति का सम्मान नहीं करते हैं। केवल हम 4 पौधा अपनी बाउंड्री में लगा लेते हैं, अपने कमरे के पिछले खिड़की में रख लेते हैं, उससे तो ये प्रदूषण रुकेगा नहीं ना, बिल्कुल। हाँ, तो जो प्रदूषण बड़े स्तर पे हो रहा है उससे भी बड़े स्तर पे हमें प्रकृति की विस्तार करना पड़ेगा, तब होगा। तो कुल मिलाकर मेरा वही विषय है, जब तक आप वैदिक नहीं बनेंगे, जब तक आप अपने ऋषियों के, अपनी सनातन संस्कृति और सभ्यता का पालन नहीं करेंगे, तब तक आप अच्छी सांस लेके जी नहीं पाएंगे, बिना दवा के जी नहीं पाएंगे। पहले दवाओं का तो दवा तो थी नहीं, पहले जंगलों में एकाध ऋषि मुनि होता था जो वैद्य का काम करता था। हाँ, और अगर बहुत सारे ऋषि मुनि डॉक्टर होते तो लक्ष्मण को शक्ति लग गई युद्ध में, लाखों लोग सैनिक थे, तो लाखों लोग जब सैनिक थे, युद्ध चल रहा था, तो आज तो मिलिट्री में सैनिक के साथ ही डॉक्टर जाता है। हाँ, तो उस समय लाखों लोग युद्ध के मैदान में गए तो डॉक्टर क्यों नहीं था राम जी के पास में? उस समय डॉक्टर जरूरत ही नहीं थी ना डॉक्टरों की, उस समय केवल रावण के पास में डॉक्टर था पूरे देश दुनिया में, पूरे अच्छा ऐसा आप कह सकते हैं। तो दुश्मन होके भी उसकी शरण जाना पड़ा और वो डॉक्टर को हमें लाना पड़ा क्योंकि हमारे उसमें डॉक्टर नहीं था उपलब्ध, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं थी किसी की। एक्सीडेंटली जो हो गया इसी के लिए वैद्य चाहिए, पर बीमार कोई होता ही नहीं था पहले, समझो स्वास्थ्य। और उसका कारण यह है कि व्यक्ति के पास में एनर्जी होती थी, पेड़ ज्यादा होते थे, हवा ज्यादा होती थी, यज्ञ ज्यादा होते थे, नित्य जीवन में ब्रह्म यज्ञ होता था, समय तक ब्रह्मचर्य का पालन होता था और समय पर ग्रस्त का पालन होता था। तो एक समय पर ब्रह्मचर्य का पालन हो और समय पर ग्रस्त का पालन हो तो स्वास्थ्य आदमी का कभी डगमग नहीं होगा और वो बराबर बना रहेगा बैलेंस। तो अभी हर चीज का बैलेंस बिगड़ा है, उसका कारण है वही पाश्चात्य कल्चर को भोगवाद की जिंदगी पसंद है और वो भोगवाद में ही जीना चाहते हैं, उससे अलग उनको कुछ नहीं चाहिए। ना उन्हें वैज्ञानिक बनना रहता है, ना उनको शिक्षित बनना रहता है, ना पढ़ना बनना रहता है। आज के कल्चर में भी आप जब देख लो, अमेरिका में सबसे ज्यादा भारतीय लोग वैज्ञानिक है, पढ़े लिखे लोग है, अमेरिका के लोग बिल्कुल पढ़ते नहीं है, वहाँ के लोग पढ़ना चाहते भी नहीं, बिल्कुल खाने को सरकार दे रही है, सब कुछ सरकार दे रही है, हो गया काम खत्म। तो
थोड़े से विज्ञान से आदमी डेवलप हो जाता है और पैसे से डेवलप होने के बाद उसका चरित्र डाउन होने लग जाता है और फिर वो बीमारियों का घर बन जाता है। हर व्यक्ति का घर ही हॉस्पिटल बन गया है, हर आदमी का बेडरूम ही दवाखाना बन गया है। उसका कारण है पाश्चात्य संस्कृति और बढ़ता हुआ विज्ञान का दौर। तो जो दौर आपको बढ़ रहा है, उन्नति हो रही है, तो वो दौर इस तरह से है, आप पैदल चलेंगे तो गिर जाएंगे, तो पैर फ्रैक्चर हो सकता है, पर आप जब रेलगाड़ी में चलेंगे, ट्रक में चलेंगे, कार में चलेंगे, वहाँ एक्सीडेंट होगा तो आपका पैर फ्रैक्चर नहीं होगा, आपकी जान जाएगी, विनाश होगा पूरा। तो जितनी उन्नति है उसके साथ में उतना विनाश भी फास्ट है हमारी जिंदगी का। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भाषा, हमारे ईश्वर मुनि की, ऋषि मुनियों की, हमारे परमात्मा की वाणी जो वेद है या जो संस्कृत है, जो देववाणी है, जो सनातन वाणी है, जो सूर्य चंद्रमा से आज तक टिकी हुई वाणी है, जो टिकने वाली भी है, उस वाणी को जब हम अपनाएंगे तो हमारा सुख जो की त्यों बना रहेगा। जैसे उस वाणी को आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ है, वैसे हमारे सुख को भी नुकसान होने वाला नहीं है। भाषा के साथ में सुख चलता है, भाषा के साथ ही संस्कार चलते हैं। तो कुल मिलाकर हम अपनी वैदिक परंपरा को जीवित करने के प्रयत्न में हैं और हम तो अपने निजी स्तर से वही चाहते हैं और हमारा कल्चर भी, सोच भी वही है, उसी आधार पर हमने यहाँ गुरुकुल निकाला हुआ है। चाहे बच्चे कम पढ़ते हैं पर हमने तरीका उस तरह का अपनाया हुआ, अपने हिसाब से हम उनको कर सकते हैं, हम उनका करेंगे। ज्यादा हम नहीं कर सकते तो हम ज्यादा नहीं कर रहे, हमारे जितनी दायरा है हम उतना कर रहे। तो जब तक हमारी परंपरा नहीं लौट के आएगी पुरानी, जो राम का फोटो पूछते हैं ना, उनको संदेश है ये आपके इंटरव्यू के द्वारा जी। हम चाहते हैं कि राम 5 वर्ष के थे, उन्होंने दूसरी किसी भाषा का ज्ञान क्यों नहीं लिया, उन्होंने तो शुरुआत संस्कृत से की ना, और संस्कृत से शुरुआत करके उनकी हानि किधर हुई भाई, उनकी तो आज तक पूजा हो रही है। अच्छा, कृष्ण भगवान पढ़ने में लेट हो गए, समझिए 5-6 साल में स्कूल जाना चाहिए, नहीं गए तो वो 11 साल में गए, लेट भी पढ़ना शुरू हुआ तो भी उन्होंने वही पढ़ाई पढ़ी जो राम ने पढ़ी थी, तो उनकी हानि किधर हुई, सोचने की बात तो यह है ना। पूर्ण वैज्ञानिक वो थे, पूर्व दृष्टि वो थे, आकाशवाणी उनके पास में थी, दूरदर्शन उनके पास में था, तो जो भी आज विज्ञान में कन्वर्ट हुआ है, बुद्धि विकास हुआ है, वो तो सब उनके पास भी था ना। दूरदर्शन, दूरदृष्टि माने दूरदर्शन, तो वो भी उनके पास में था, बिल्कुल। हाँ, दूर दूर की बातें अपने आप सुनना, ग्रहण करना, वो सब उनके पास था ना। तो जब वो स्वयं इतने सारे वैज्ञानिक थे उस भाषा को पढ़ के, तो आज भी दुनिया का जितना भी विज्ञान है उस विज्ञान का जनक है ऋग्वेद। ऋग्वेद के द्वारा ही इन सारे विज्ञानों का जन्म हुआ है, सैटेलाइट का जन्म ऋग्वेद से हुआ है, लाइट का जन्म, कैमरे का जन्म, टीवी का जन्म, जितने भी आप दुनिया में तंत्र देख रहे हैं उनका सबका जन्म हुआ है ऋग्वेद से। ऋग्वेद ही विज्ञान और भूमंडल का रचयिता है जी। तो पूरे उसमें शास्त्र में पूरा सिस्टम लगा हुआ है। परमात्मा ने जो दुनिया बनाई है उस दुनिया को परमात्मा ने इस तरह से लिखा हुआ है जैसे आर्किटेक्ट एक बंगले के बारे में पूरी किताब बनाता है, फाइल बनाता है, फिर बंगला बनाकर रेडी करता है उसका स्ट्रक्चर बना के। तो प्रभु ने इस दुनिया को बनाने से पहले वेदों में सारी दुनिया के फार्मूले दिए हुए हैं। इस दुनिया में जैसे भी आविष्कार जो करना हो तो इजिकल टू ये सूत्र लेना होगा आपको इस वेद में से, तब ये आपका सिद्धांत पूरा हो जाएगा और आप सफल रहेंगे। तो उस चीजों को, विज्ञान को हमारे ऋषियों ने जो बाहर दिया उसका प्रयोग उन्होंने किया। दस्यु लोगों ने फार्मूले हमने बनाए, उन्होंने उसका उपयोग, उसका प्रयोग उन्होंने किया। सॉफ्टवेयर इंडियन बनाता है और उसका प्रयोग अमेरिकन करते हैं, फायदा उनको होता है, हमको तनख्वाह मिलती है खाली, और कंपनी उनकी चलती है, करोड़ों वो कमाते हैं, लाखों में मिलता है। तो ये प्रॉब्लम की वजह से हम लोग विज्ञान के मामले में जो है अपने आप को कम महसूस करते हैं और उनको ज्यादा मानते हैं। पर विज्ञान हमारा है, सॉफ्टवेयर हमारा है, यंत्र तंत्र विद्या हमारी है, और जब तक हम लौट के वही नहीं आएंगे रामकृष्ण की संस्कृति में, तब तक देश का भी, मनुष्यता का भी, और खास करके हिंदुत्व का उद्धार होने वाला नहीं है। तो दूसरे सत्र में हमने महाराज जी के साथ में चर्चा की, हमने जाना कि भारत को वापस वैदिक भारत बनाने के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए, और हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से ये भी जानकारी प्राप्त की वैदिक भारत बनाने के लिए यहाँ शिक्षा की जो प्रणाली है उसको हमें मजबूत करना होगा, उसको हमें स्कूल लेवल तक, कॉलेज लेवल तक, हर जगह भाषा का भी हमें इंट्रोडक्शन करना चाहिए। भाषा में मेन संस्कृत की भाषा है, महाराज जी का ये कहना है कि संस्कृत जो सीखता है वो आगे कामयाबी की तरफ बढ़ता है, और बाकी भाषाओं से संस्कृत भाषा बहुत स्ट्रांग है। संस्कृत सीखने के बाद ही व्यक्ति हमारे वेद, उपनिषद और बाकी जितने ग्रंथ है भारत के उनको पढ़ सकता है। महाराज जी ने इस सत्र में ये भी कहा कि भगवान श्री राम ने संस्कृत की भाषा पढ़ी, उन्होंने वेद पढ़े, गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त की, तो वो आज भी महान है, सर्वश्रेष्ठ है, उनके हर घर में पूजा होती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की, वेदों की, वो उनका भी आज हर मंदिर में, हर घर में पूजा होती है। आदि शंकराचार्य ने भी वेदों
का प्रचार प्रसार किया, उन्होंने भी संस्कृत का पूरा अध्ययन किया और उन्होंने पूरा एक नया सिस्टम दिया भारत को 2500 साल पहले। 1000 साल पहले भी यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस आए, उस वक्त महर्षि पतंजलि 200 साल पहले इस धरती पर आए थे और उसके बाद भी बहुत सारे ऋषि मुनि उन्होंने लगातार संस्कृत की भाषा को प्रोपगेट किया भारत में, यहाँ पर उनको पब्लिसाइज किया और गुरुकुल खोल खोल के हर व्यक्ति को उस गुरुकुल के साथ में जोड़ा।